आज हमारे पास आर्क 200G ये वेल्डिंग मशीन IGBT रिपेयरिंग होने के लिए आया है। ये कोई मिस्त्री साहब इसको रिपेयर कर रहे थे, जब वहाँ नहीं हो पाया तो ये ग्राहक हमारे पास लेके आया। इसका सारा मास्पेट वगैरह सब निकाला हुआ है और यहाँ पे रजिस्टेंस वगैरह भी कुछ यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसमें जो सामान निकाला हुआ है इसको हम साफ़ कर ले रहे हैं पहले डिसोल्डिंग पंप से, उसके बाद में रजिस्टेंस वगैरह लगा के फिर वोल्टेज चेक करके हम आगे देखते हैं इसमें किस तरह से चेक करना चाहिए और ज़रूरी इसमें क्या चीज़ है। ये इसका तार वगैरह भी सब यहाँ से भी काटे हैं, सब बहुत मेहनत किया है लेकिन बेचारा कर नहीं पाया। यहाँ रजिस्टेंस और IGBT जगह साफ़ कर ले रहे हैं। लगा दिए हैं यहाँ पे, सोल्ड कर ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लगा दिए हैं यहाँ का लेग जो एक्स्ट्रा कार्ड दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लगा दिए हैं और ये डायोड और रजिस्टेंस कुछ और ख़राब थे जो निकाल के जो कम था वो लगा दिए हैं। यहाँ पे सारा रजिस्टेंस लगा दिए हैं। इसमें एक लगा था 15 ओम्स और 5 ओम्स और 10K, और ये डायोड लगा हुआ था यहाँ पे 58-19, इसको भी लगा दिए हैं। अब सबसे पहले इसको यहाँ पे सोल्ड कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा ड्राइव वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं, उसके बाद में हम मास्पेट लगाएंगे। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम यहाँ जो वोल्टेज बनेगा इससे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो सर्किट ऑन नहीं होगा और आउटपुट करंट नहीं देगा। ये सोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरफ से हम चेक कर ले रहे हैं। ये ऑन कर लिए हैं, ये ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं हमारा ड्राइव वोल्ट आ रहा है यहाँ पे कि नहीं आ रहा जी। 12.72 के आसपास आ रहा है, 12.5 के आसपास चारों IGBT पे आना चाहिए। हम यहाँ पे IGBT लगा सकते हैं, इसको बंद कर लिए हैं, मेन लाइन से हटा दिए हैं। अब यहाँ पे ये IGBT यही लगा हुआ था, इसमें इसको हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा ओके है कि नहीं। IGBT हमारा चारों सही है, IGBT में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे IGBT लगा देते हैं, उसके बाद में आउटपुट करंट चेक करेंगे। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे जो भी चेक किए हैं अगर ये नहीं आएगा तो IGBT लगाएंगे ये फाड़ कर जाएगा, उड़ जाएगा IGBT। ये वोल्टेज बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे अगर वोल्टेज आएगा तभी IGBT लगाना है। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस लगे हुए हैं इसको चेक करना है, और ये जो डायोड लगा हुआ है और ये कैपेसिटर जो इसमें लगे हुए हैं जो PF लगे हुए हैं इसको चेक करना है। इसमें कोई दिक्कत रहेगी तो वोल्टेज नहीं आएगा, अगर यहाँ से आ रहा है उसके बाद में यहाँ पे चेक करना है, ये भी दिक्कत रहेगा तब भी हमारा वोल्टेज नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है ये वोल्टेज, अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो ऑन नहीं होगा सर्किट, आउटपुट करंट नहीं देगा।
IGBT हम यहाँ पे हीट सिंक पे लगा ले रहे हैं, उसके बाद में सर्किट में लगाएंगे। IGBT और हीट सिंक में बांध के लगा दिए हैं, अब यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर ले रहे हैं। सोल्डरिंग कर लिए हैं, यहाँ पेट्रोल से साफ कर ले रहे हैं। ये IGBT हीट सिंक है, इसको लगा लिए हैं और अब इसको हम AC करंट देके देख रहे हैं। AC करंट दे दिए हैं, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वोल्टेज हमारा यहाँ पे आया नहीं आया। वोल्टेज DC पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये हमारा 67 वोल्ट आ रहा है, 6 पॉइंट्स लगभग 70 के आसपास यहाँ पे बता रहा है, 67 और 70 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे स्पार्क करके भी हम चेक कर ले रहे हैं, वो तार हमारा कुछ दिक्कत था, ये दूसरा तार हम ले लिए हैं, ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आता है, यहाँ का वोल्टेज बहुत ज़रूरी है। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा किसी भी एक तरफ तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। ये हमारा सिस्टम ओके हो गया।